हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने अपने कलायत विधानसभा क्षेत्र के राजौंद में 4 कर्मचारियों को निलंबित करके अपनी दबंग कार्यशैली का परिचय दिया है। मंगलवार को कैथल के सनातन धर्म मंदिर में भाजपा के कार्यक्रम में पहुंची कमलेश ढांडा ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। कमलेश ढांडा ने बताया कि वह नगर परिषद बिजली विभाग और तहसील कार्यालय पहुंची थी। सभी जगह कर्मचारियों की उपस्थिति काफी कम थी। लोगों द्वारा कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार फैलाने की शिकायत भी की गई। कमलेश ढांडा ने कहा कि उसके बाद ही 4 कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्णय लिया गया। कमलेश ढांडा ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कैथल और राज्य के अन्य जिलों में भी इस तरह की अचानक जांच की जाएगी। आइए कमलेश ढांडा की बात सुनते हैं। देखिए, ये लोगों की शिकायत थी, राजौंद में बिल्कुल बुरा हाल था। जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, और मैं तो कल उधर से आ रही थी तो मैंने आते आते सोचा मैं अपना, मेरा हल्के का गांव है, बड़ा गांव है, नगर पालिका है, तो मैंने वहाँ नगर पालिका में देखा, तहसील में देखा, और जो बिजली बोर्ड का हमारा ऑफिस था उसमें देखा, तो वहाँ पर अधिकारी बहुत ही संख्या में मौजूद थे। जो मौजूद थे वो भी बाहर खड़े थे चलने के लिए, तो उनमें बहुत सारी कमी कमियाँ पाई गई। तो लोगों की मैं सुन रही थी 1-1.5 महीने से शिकायतें, तो वहाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार भी और बिल्कुल अनदेखी भी, लोगों की बिल्कुल सुनवाई नहीं होती और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल करेंगे, चाहे हमारा कैथल है, कोई और भी डिस्ट्रिक्ट है, और कैथल में भी पहले भी गया था चुके के लिए भी, जो अधिकारी अनदेखी करेंगे जनता की उसका तो परिणाम यही होगा। और मैं इस उद्देश्य से नहीं गई कि मैंने सस्पेंड करना है, मैंने यूँ भी चेक करेंगे, देखें क्या लोगों का कितना क्या काम कर रहे हैं। ये तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का क्या आदेश है, वे अधिकारी काम करें जनता के लिए, इसलिए मान लें कि अधिकारी नहीं करें जिसके डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है हमारे मंत्री जी के लिए मतलब बताइए। मुझे तो जितना संज्ञान है मुझे तो अधिकार दे पड़ा था कि हड़ताल नहीं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमलेश ढांडा के काम करने के तरीके के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।